സിവിൽ സർവീസ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ന്യൂഡൽഹിയിൽ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം. और एजुकेशन में आने वाली मुश्किलों को दूर करने में मदद मिलेगी ही मिलेगी. इससे डिपार्टमेंट्स के बीच, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के बीच संवाद और सरल होगा. इससे हमारे लिए आगे की स्ट्रेटजी बनाना भी ज्यादा आसान होगा. साथियों, आजादी का ये अमृतकाल, ये टाइम पीरियड भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जितने बड़े अवसर लेकर आया है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है. इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद, तेज गति से हासिल हुई सफलताओं के बावजूद, मैं इसे चुनौती क्यों कह रहा हूं? और मैं मानता हूं कि इस बात को आपको भी समझना होगा. आज भारत के लोगों के एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है. विकसित भारत के लिए, व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए अब देशवासी और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते. देश के लोगों की इस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए हम सबको, आपको पूरे सामर्थ्य से जुटना ही होगा. तेजी से निर्णय लेने होंगे, उन निर्णयों को उतनी ही तेजी से लागू करना होगा. और आपको एक और बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि आज, और ये मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप भी अनुभव करते होंगे, आज पूरे विश्व भी की भी पूरे विश्व की भी भारत से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं. दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ये कह रही है कि भारत का समय आ गया है, इंडियाज टाइम हैज अराइव्ड. ऐसी स्थिति में भारत की ब्यूरोक्रेसी को एक भी पल गंवाना नहीं है. आज मैं भारत की ब्यूरोक्रेसी से, भारत के हर सरकारी कर्मचारी से, चाहे वो राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में, मैं एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं. പൊതുഭരണത്തിലെ മികവിനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുരസ്കാരങ്ങളും ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം സമ്മാനിക്കും. രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അസാധാരണവും നൂതനവുമായ ശ്രമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കി ആപ്കി സർവീസ് മേ ആപ്കി നിർണയോ കാ ആധാർ സിർഫ് ഓർ സിർഫ് ദേശ് ഹിത് ഹോനാ ചാഹിയേ. हो सकता है फील्ड में आपको किसी एक व्यक्ति के लिए कोई फैसला लेना हो, किसी एक समूह के लिए कोई फैसला लेना हो, लेकिन तब भी आप ये जरूर सोचें